अस्सलाम वालेकुम पुरकशिश लम्हात यूट्यूब चैनल के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज आपको बहुत ही कमाल का टोटका बताऊँगी जो कि तीन चीज़ों से मिलकर गोली बनती है। अगर खाना खाने के बाद एक घंटे के बाद खा लिया ना, इस कदर ये आपको ताकत दे देगा कि यहाँ पर तहरीर में आया है कि उस बंदे के नीचे के बाल भी सफ़ेद ना होंगे, तो ताकत का अंदाज़ा कि ताकत ये कितनी ज़्यादा आपको फ्राहम करेगा आप ख़ुद सोच लें। इस गोली का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, जो बंदा इसको इस्तेमाल कर लेगा, जो कहते हैं बिल्कुल ना मर्द हो चुका हो, बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया हो, यानी वो ये सोचता है कि इससे अच्छा, इस शर्मिंदगी से अच्छा तो मौत है कि यही मेरे लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि न मर्दी वाली ज़िंदगी हो। बीवी रोज़ाना शर्मिंदा करती है, ताने दे देकर बहुत ज़्यादा मुझे जलील करती है, तो उस बंदे के लिए ज़ुबान के ऊपर आपने ये एक गोली रख देनी है और फिर नीचे से फाड़ फूड़ कर बाहर आ जाएगा। ऐसी कमाल की ताकत का हामिल ये टोटका है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सबसे पहले नंबर एक पे आपने 50 ग्राम की मकदार में मगज़े बादाम लेने हैं। दूसरे नंबर पर आपको मुनक्का चाहिए 50 ग्राम की मकदार में। तीसरे और आखिरी नंबर पर है ज़ाफ़रान, ये आपको 12 ग्राम की मकदार में चाहिए। ये टोटका वैसे तो आपका एक से दो हफ्ते तक आपका चल जाएगा। तीनों चीज़ों को आपने खरल कर लेना है, बारीक कूट लेना है। कूटने के बाद, खरल करने के बाद आपने मटर के दाने के बराबर छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। गोलियों का साइज़ आपने छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। फिर आपने करना क्या है, शाम को खाना खाने के एक घंटे के बाद एक गोली ताज़ा पानी के साथ, और आपने कोई भी काम नहीं करना। सबसे तो पहले इसका फ़ायदा ये है कि असाबी ताकत देगा, मर्दानगी को बढ़ाएगा, तनासल में लंबाई और मोटाई पैदा करेगा, टाइमिंग पैदा करेगा, और ख़ास तौर पे वो अफराद जो शलवार के अंदर ही फारिग हो जाते हैं, ख़ास तौर पर दखूल करने से पहले ही फारिग हो जाते हैं, तो उन अहबाब के लिए ये बड़े ही कमाल की चीज़ है। इसको इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद गलत काम करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये गुनाह है। कोशिश कीजिएगा कि हर बुरे काम से बचिएगा और इस नुस्खे की ताकत का गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।